के तुझे क्या मिला। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। जॉब छोड़ दो। क्या? टेस्ट कर रहा था तुम्हें और मैं जानता था फेल हो जाओगी तुम। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। शेरी देखो, मैं इतनी जल्दी जॉब नहीं छोड़ सकती। अच्छा सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना, ऑलराइट? हाँ, अगर ऑफिस से फोन ना कर रही होती तो मैं सुन लेता तुम्हारी बात। बाय द वे, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, कल तुम भी बहुत हट धर्म हो। Where were we? Greece. और कहाँ कहाँ गए? सर, मैं जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। But why? सर, I must. सर, ये अभी थोड़ा सा इमोशनल हो रही है। अजीजे, क्या हो गया है? ये मेरा फैसला है, तुम प्लीज इसमें इंटरफेयर ना करो। मैं बॉस से बात कर रही हूँ ना। सर, आई मस्ट लीव। बकौल आपके, मुझ जैसी सेठ की बीवी को इस जॉब की जरूरत ही नहीं है। ये मेरे शान शान नहीं है। थैंक्स टू माई डियर हस्बैंड, जब मेरा काम भी उसके रेफरेंस पे परखा जाता है, तो ये जॉब छोड़ने के लिए भी मुझे उसी का रेफरेंस यूज करना चाहिए ना। अलीजे, आप जिस वजह से भी ये कर रही हैं, उसको अपने ही परों को कुतर देना कहते हैं। सर, जब ईगल को भी एक नई जिंदगी मिलती है ना, तो वो अपने जॉन से अपने सारे पर नोच लेता है, एक नई उड़ान भरने के लिए। बर्बादी जो है ना लीजे, वो कभी अचानक नहीं आती, स्टेजेस में आती है। अफसोस हुआ लीजे, यू वर अ वेरी ब्राइट गर्ल। आपकी सोच का दायरा इतना महदूद हो गया है, इतना महदूद कि अच्छा ही है कि आप चली जाएं। Excuse me, sir. मेरे लिए ऑरेंज जूस कर दें एंड पानी। थैंक यू। सो कितने सिब्लिंग्स हो आप? मैम, हम दो हैं, मैं और मेरी बहन। और आपकी बहन क्या करती है? अभी फ्रेशली ग्रेजुएट किया है उसने, तो आजकल तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है घर पे, लेकिन जॉब भी ढूंढ रही है साथ साथ। व्हाट काइंड ऑफ जॉब? मैम, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाती है, तो आई थिंक वो एजुकेशन में ही कहीं ढूंढ रही है। हाँ, हाय हाय, दैट्स रजा पहलवी एंड दैट्स मीरा, हमारे ऑफिस के अनमोल रतन। एक्चुअली उनको मैंने डिस्कवर किया था, बट जोक्स अपार्ट, ही इज हेड ऑफ आईटी। Nice to meet you. Nice to meet you too. So, how are you and how's your mother? मैं ठीक हूँ, मामा भी। मिस करती हैं अली सर? मुझे मिस नहीं करती? नो, उन्हें बताना मैं भी उनको बिल्कुल मिस नहीं करती। अभी तक मुकाबला कर रही है मामा से? वो तो मैं ऐसी हूँ, यू नो मी वेरी वेल, डोंट यू? समझता था कि जानता हूँ, लेकिन नहीं जानते। See you. Have fun. That's my ex. छोड़ दिया मैंने उसे, not my type. लेकिन रजा सर तो बहुत नाइस है मैम। मैं नाइस नहीं?
आप नए से बहुत, और रजा सर ये रजा सर की सर क्या लगा के रखी हुई है नीरव? You don't work for him, neither you work for me. So stop saying sir and madam. Sorry ma'am. वो एक्चुअली हमारा पूरा स्टाफ रजत सर की पहले से बहुत इज्जत करता है। How stupid you all are. तारीफ सिर्फ उन लोगों की जाती है जो पैसे बना रहे होते हैं। सीखो कुछ। लेकिन मेरे लिए तो बहुत कम पैसे ही बहुत होते हैं। यही तो मसला है, इसीलिए तुम वक्त तरक्की नहीं कर रही, कम में गुजारा कर लेते हो और अगर नहीं मिलता तो नशा कर लेते हो। There's a difference between reality and illusion. Keep that in mind. It. मोहब्बत इंसान को कमजोर नहीं करती, मजबूत कर देती है। फिर मैं क्यों कमजोर पड़ी हूँ? क्योंकि मैंने अपनी जात को आगे रखा हुआ है। मुझे अपनी जात की नफी करनी होगी। बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा तो डर कैसा। कर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। I need to bow to submit. I need to be selfless. This is love. हेलो, मैंने कुछ बोला था तुम्हें? शायद तुम किसके साथ हो? जब तक तुम उस ऑफिस में काम कर रही हो तो मुझसे ये नहीं पूछ सकती कि मैं किसके साथ। शायद मैंने जॉब छोड़ दी है। गुड गुड गर्ल। तुमसे ज्यादा और कोई चीज अजीज नहीं है, बात तुम समझ ही नहीं रहे। हालांकि आई नो मुझे तुमसे बहस नहीं करनी चाहिए थी उस सब के बाद जो सब तुमने मेरे लिए किया है। माँ ने बात समझाई थी मुझे, लेकिन बस मैं समझती नहीं हूँ ना उनकी बात। मुझे उनका और अपना जमाना बहुत डिफरेंट लगता है। लोगों की बातों में आ जाती हूँ। और जब तुमने मेरा फोन नहीं उठाया ना, तो मुझे एहसास हो गया
कि मोहब्बत का कोई जमाना नहीं होता। इश्क की तारीख अकेली है जो आज भी वैसी ही लिखी जा रही है। कहीं पढ़ा था मैंने कि मोहब्बत तभी परवान चढ़ती है जब उसमें एक्सपेक्टेशंस ना हो। मोहब्बत सबमिशन मांगती है, मुकाबला नहीं। बहुत अच्छी लग रही हो आज तुम, कुछ डिफरेंट किया मेकअप आज? नहीं, वो तुम्हें नाराज करने की और ऑफिस जाने की उलझन में रहते थे, आज वो उलझन खत्म हो गई। चाय कैसी बनी? तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं। आज ऑफिस में कौन आया था? कोई नहीं आया था। बस तुम ये सोचो कि मैं कौन हूं और क्या लगता हूं तुम। सब कुछ। That's my girl. अगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त और दे देती अनीजा, लेकिन तुमको तो जल्दी थी बेगम बनने की। अच्छा है, मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता था जो अब तुम जी रही हो। मैं तो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा, तुम खुश रहो। भाई, आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे स्कूल से अभी अभी कॉल आई है इंटरव्यू के लिए। इतनी जल्दी? तुम्हें पता है यह हमारी मैडम की करा हुआ है। हाँ, मैं भी यही बोलूं, मेरा तो इतना कोई खास सीवी भी नहीं थी। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आपने तो शादी से इनकार कर दिया है ना। मैं सिर्फ ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि एक लड़की अगर मेरा इतना ख्याल कर रही है और वो मेरी हम उम्र है, तो फिर मेरा क्या मसला है? मेरे दिल में उसके लिए जगह क्यों नहीं बन रही? तुम उससे डरते हो और खौफजदा भी रहते हो। उसकी शक्ल में तुम्हें रोटी रोजी का ख्याल तो आ सकता है, लेकिन बीवी का नहीं। कल इंटरव्यू के बाद ना मैं आपको कॉल करूंगी, आप मुझे पिक कर लीजिएगा। मैं भी तो देखूँ वो फरिश्ता है कौन जो हम पे इतना मेहरबान हुआ। और आप भी इतना सोचे मत, अल्लाह की मेहरबानी ना ऐसी ही होती है। फिरोजा, तुम्हें पता है उसकी पहले मंगनी हो चुकी है, लेकिन वो मंगनी नताशा बॉस ने तोड़ दी थी। हालांकि वो बंदा बहुत अच्छा था और उसकी अपनी कंपनी भी थी। आपसे अच्छा नहीं हो सकता, पूरा मोहल्ला आपकी तारीफ करता है। और सामने वाले हाजी साहब, वो तो आंखें बंद करके अपनी लड़की का हाथ दे दें आपको। भाई, इस मोहल्ले से आगे भी एक दुनिया है। इस कुएं में जिसमें हम रहते हैं ना, उसके बाहर एक बहुत बड़ा समंदर है। एक बार तुम्हारी नजर उस समंदर में पड़ी ना, तो तुम देखती रह जाओगी। मैं जरा कल की तैयारी तो करूं। हाँ, मैंने सब कुछ बना दिया, तुम बस फ्राई कर दो जाके, ठीक है? वो बाबा, आपने आज शाम में क्या खाना है, मुझे जल्दी से बता दें। तुम जरा बैठो। तुमने नौकरी छोड़ दी? जी, एट लास्ट। चेरी की वजह से? नहीं बाबा, वो बहुत अच्छा है, मैंने अपने ऑफिस की वजह से छोड़ी है। उन सबको वहाँ इश्यू था कि मैं शहरी की बीवी हूँ, उसी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी। आपको तो पता है ना, ये छोटी कंपनीज में काम करना बहुत मुश्किल होता है। अब क्या करूँ? आपका ख्याल। देखो बेटा, नताशा भी काम कर रही है और भी बहुत सी लड़कियां काम करती है। तुम टैलेंटेड हो, अपने टैलेंट को जाया क्यों कर रही? यही तो मैं कह रही हूँ, जरूरत नहीं है। जरूरत है
तो शेरी के खुश रहने की है, उसका एतमाद जीतने की है। मैं नहीं चाहती घर में कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसी उलझन हो जिसकी वजह से वो नाखुश हो। मुझे सबसे ज्यादा खुशी उसके खुश होने से मिलती है। मैंने खुद से सवाल किया था बाबा, मुझे यही जवाब मिला। आप फिक्र ना करें ना, प्लीज। एक बात कहो, दिस इज फूल्स पैराडाइज, तुम ज्यादा देर रह नहीं सको। नो बाबा, दिस इज लव एंड लव इज इन फूल्स पैराडाइज, डोंट वरी ना। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों ना बोलो भाई, मतलब क्या सोच समझ के उसने जॉब छोड़ दी है? उसका करियर इस कंपनी से शुरू हुआ था, उसे कम से कम मुझसे बात तो करनी चाहिए इतना। भाई उसका शौहर है, उसके मामला तय करने के। उसके शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सोच की बात है कि औरत को आज भी हमारे मुआशरे में कम तर समझा जाता है, या वो पाँव की जूती समझी जाती है या सर की पगड़ी। मैंने अपनी बच्चियों को इस तरह बड़ा किया ही नहीं है, तभी उनको इतना टाइम लग रहा है सेटल होने में। इतना वक्त उसे इसलिए लगा है क्योंकि उसे सवाल करना आता था, जो कि उसने शायद करना छोड़ दिया है। वरना क्यों ऐसे करेगी, आप खुद सोचें। बहुत अफसोस हो रहा है, आप उसे प्लीज फोन कीजिए। प्लीज अभी आप कुछ ना बोले, मैंने उनको वैसे भी चाय पे बुलाया है। किस खुशी में? दामाद है वो। बाहर भी क्या दामाद, उसी की वजह से तो हुआ है सब कुछ। देखिए सीधी बात है कि मैं अपनी बच्ची को रुखसत करने के बाद उसके अच्छे बुरे के लिए मर नहीं गया हूँ। मैं बात करूंगा उससे। मम्मा एग्जॉस्ट तो चला दिया करें हम घर में। आप लोगों को क्या हुआ है? कुछ नहीं, अलीजे ने जॉब छोड़ दी है, बस उसी पे चिल्ला रहे हैं। व्हाट, जॉब छोड़ दिया उसने? ये तो बहुत बुरा हुआ है। वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगी और आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ है। This is so unfair, मामा। और इस खुशी में घर में चने की दाल का हलवा बन रहा है दामाद जी के लिए। बस चुप कर जाओ, फसाद किए जाओ, फसाद किए जाओ। ये कम थे कि अब तुम भी आ गई हो। अपनी जुबान बंद रखो, के बहनोई है तुम्हारा, खुश रहने दो उन दोनों को। वैसे भी उसको जरूरत क्या नौकरी करने की, अल्लाह का दिया बहुत है उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह। इंजर ने फिरोजा, वो जो कॉल क्यों नहीं की पहले, मैं खुद आता तुम्हें पिक करने। वो भाई मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। चलो अच्छा किया तुम आ गए। ये मेरे कलीग हैं यूसुफ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? रुसफ वो मेरे पास है। एक्सक्यूज मी बॉस। जी मेरी बॉस है नताशा। बॉस ये फिरोजा हैं मेरी बहन, मैंने आपसे इनका जिक्र किया था। इधर करीब में इनका इंटरव्यू था तो आज ऑफिस आई हूँ मिलने। हाउ लवली, थैंक यू। कैसा था आपका इंटरव्यू? बहुत अच्छा। सुने कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। You guys carry on. All the best. भाई ये तो बहुत अच्छी है, है ना? चलो अब मैं दिखाता हूँ, कोई चाय शाय पियोगी? चलो। कौन है ये सलमान अहमद? दो बार मैं उससे मिला भी, और उस मीटिंग के बाद भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल ठीक है, प्लीज आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। हाँ क्यों नहीं लगेगी, कल सारा दिन मैडम ने सैलून में जो गुजारा है। अच्छा हाँ अच्छी तो लगेगी। और पता है सारा दिन बाहर खड़े होकर इंतजार करता रहा हूँ इसका,
आखिर एक ही बीवी है ना, ख्याल तो रखना है। वैसे कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, लेकिन मैंने तो ये देखा है कि अगर बेगम की तारीफ करते रहो ना तो हरी भरी रहती है बिल्कुल, जैसे आप है। आप खुश रहो, जीते रहो। वैसे बिल्कुल सही कह रहे हो, जिन बीवियों के शौहर उनका ख्याल रखते हैं ना, वो इसी तरह बदली बदली निखरी निखरी लगती हैं। अरे और कोई बात नहीं है आंटी, असल में मैडम आज आराम से उठी है, सुकून से 1 बजे, जॉब पे नहीं जाना था ना इसलिए। अब तो एम्प्रेस है मेरी, जो चाहे कर सकती है, शी कैन डू व्हाट शी वांट। भाई अलवा कहाँ है और कहाँ है सब? वो इसके बाबा और रमजा तो ग्रोसरी करने गए हैं, रमजा ने गाड़ी चलानी सीख ली है ना, बस खामोशी से लेसन लेती रही, पता ही नहीं चला। तो ड्राइवर कहाँ है? वो ड्राइवर भी है बट तुम्हें पता है ना रमजा कैसे जिद पड़ जाती है, तो बस मैंने तो आप उससे बहस करनी छोड़ दी है। वैसे शहरी तुमने तो पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरी अलीजे पे, इसको इतना प्यारा शौहर देने का तो मैं सिर्फ ख्वाब ही देख सकती थी। अच्छा मैं खाने का इंतजाम करती हूँ, अभी तो चाय चलेगी ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। खाना ना चाय कुछ भी नहीं, आज रात को हम बाहर जाएंगे डिनर के लिए। नहीं ऑफ कोर्स भाई, सेलिब्रेट करना है, मेरी बीवी आजाद हो गई फाइनली। लुक एट हिम, ही सो हैप्पी। हेलो, हाउ आर यू? वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, सेलिब्रेशन ही। हाँ और क्यों ना हो भाई, अलीजे ने जॉब छोड़ दी है, नाउ शी इज फ्री लाइक अ बर्ड इन द ट्री। बट व्हाई? व्हाई? मैं जरा चाय का देखती हूँ। हाँ आए बैठे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तुम्हारे पर्ल्स ऑफ दिस टाइम नहीं सुनी, मैं जानती हूँ तुम्हें हिसाब किताब रखने का शौक है, मुझे भी था। वैसे भी मोहब्बत को किसी भी लेवल पे जज नहीं किया जाता, जब तुम मेरी मोहब्बत को जज करते हो ना, तुम मुझे तोहमीन लगती है अपनी मोहब्बत। हाँ जी, तो फिर कहाँ चले? देखो एक बात मैं साफ साफ बता दूँ, स्ट्रीट फूड मैं नहीं खाता, वाई गेट सिक यार, और देसी तो घर में बनता रहता है, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। पास्ता? हाँ पास्ता खा लेते हैं, इटालियन खाते हैं। Actually, I've had Italian the whole week. I don't think I can have more. कुछ और? तो कड़ाही खा लेते हैं चल के। अभी तो उसने कहा है कि घर में देसी पकते तो देसी नहीं खाना, something else. I think, अरे it's okay, अगर उसका दिल करे तो देसी खा लेते हैं। मैं कुछ पी लूंगा। नहीं नहीं इट्स ओके शेरी भाई, जैसे आपकी मर्जी। ओके अरे हाँ, दिस इज वंडरफुल न्यू प्लेस जो खुली है, अमेजिंग फूड, यू लव इट, और उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, रियली लाइक इट। तुम्हें तो जगह का नाम भी नहीं पता होगा। फिर क्या कह रही थी नादिया? हाँ यही कह रही थी कि वो लोग वेट कर रहे हैं कि अभी तक एंगेजमेंट की डेट उन्होंने फिक्स नहीं की। क्यों? दे वर वेरी एडमिनेंट ऑफ मैरिंग द सेम गाय, अपेरेंटली डेटिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, राइट? ये क्या है? Excuse me. ये कौन सी डिश? सर ये सूटर सवार फिश है सर। ये फिश तो बिल्कुल फ्रेश नहीं, इस तरह का खाना सर्व करेंगे आप मुझे? मैं अपने सारे बिजनेस लंचेस यहाँ पर करता हूँ। हेड शेफ चेंज हो गया आपका क्या? सॉरी सर मैं फिक्स करा देता हूँ। मैं फिक्स हुआ हुआ नहीं, फ्रेशली मेड फूड खाता हूँ। That's it. I'm not paying the bill. Let's go. उठो। चलो ना।
इतना बुरा खाना था। बट खाया जा सकता था। जब तक इन रेस्टोरेंट्स को बताएंगे नहीं खाने में मसला क्या है, तो ठीक कैसे करेंगे अपना मेन्यू? हमजे को भूख लगी थी। हाँ हाँ ठीक है, जा रहे हैं ना पास्ता खाने के लिए। नहीं, मुझे अब और कहीं नहीं जाना। मेरे ख्याल में हम लोग घर चलते हैं। क्या हो गया, मेरी बात बुरी लगी तो? नहीं नहीं नथिंग लाइक दैट। पास्ता खाने चलते हैं, लेट्स गो। हां अरे आ गए तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी देर लगा दी, मज़ा आया? क्या खाया? वैसे शहरी ना थ्रू आउट मुझे तस्वीरें भेज रहा था। आप दोनों को ना खुद कहीं आना नहीं होता और मुझे भेज देते हैं। मुझे मत फंसाया करें। मुझे कुर्बानी का बकरा नहीं बनना, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। क्या हुआ? शो ऑफ पावर हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। ना खाना हो रहा था ना पीना हो रहा था वहाँ पे। एक रेस्टोरेंट में जब इतना अच्छा खाना था तो खाने के बीच में उठा के हमें दूसरे रेस्टोरेंट में ले गए। पता नहीं वो मुझे क्या बताना चाहते थे कि वो कौन सी तोप चीज़ है। और जब दूसरे रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ तो हमें ऐसी सजा मिली कि जब तक खाना ख़त्म नहीं होगा ना वहाँ से हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा खौफ मुझे इस बात की हो रही थी कि लीजे की अपनी कोई राय ही नहीं थी वहाँ पे। भाई हर इंसान का अपना टेस्ट होता है ना। उसकी रूह को ना गिरवी रख दिया गया है। खुद भी उसके पीछे पीछे चल रही थी, मुझे भी जबरदस्ती अपने पीछे पीछे चला रही थी। ठीक है शोहर की गुलामी करनी है तो करो, लेकिन खाना तो अपनी मर्जी से खाए ना बंदा। आप क्यों खो रही है मुझे? कुछ गलत कहा है मैंने क्या? कुछ ठीक कह रही है शोहर। भाई अगर लीजे खुश है तो इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? कोई खुश नहीं है, वो सिर्फ खुश होने का झांसा दे रही है, खुद को भी और हमें भी। ऐसे नहीं कोई जॉब छोड़ देता। जो कुछ भी हुआ है ना शहरी भाई के कहने पे हुआ है। वो बहुत प्यार करती है शहरी से और बहुत इज्जत भी करती है उसकी। जो लोग अपनी जंजीरों की इज्जत करते हैं वो कभी आजाद नहीं होते। आप लोग कभी उसको एडजस्ट ना होने देना। आपने लिखा है आपको रेस चाहिए क्योंकि आपकी शादी। कब है शादी? मैम रेस मिलेगा तो शादी होगी, वरना माँ तो एक साल से लड़कियाँ ढूंढ रही हैं। किस सियारे पे ढूंढ रहे हैं आप लड़कियाँ? यूसुफ साहिब बाहर देखें, यहाँ भी बहुत अच्छी लड़की हैं। और मेरे साथ ही मिले थे ना मीरब की बहन को, वो भी लड़की हैं, सिंगल हैं। मैम ऐसा कभी सोचा नहीं और उन्हें तो जानता भी नहीं हूँ मैं।
जानते हैं क्योंकि आप उनके भाई को जानते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुछ गलत कहा? मैम आप मेरी दरख्वास्त। फिरोजा एक बहुत अच्छी लड़की है यूसुफ साहब, थोड़ी जल्दी नहीं, टेक योर टाइम। मैं भी गौर करती हूँ आपकी रिक्वेस्ट पर, आप मेरी रिक्वेस्ट पर गौर करें। ओके मैम। आओ बशीर, यहां पर रखो। ये सब क्या है? देखो तो। गिफ्ट्स आए हैं आपके लिए मैडम। मेरे लिए? कैसी लगी? अच्छी। तुम्हारी पसंद को क्या हो गया शेरी? अपनी बीवी को गुड़िया बनाने का इरादा है क्या? हाँ, गुड़िया ही तो है वो। Just look at her. She's just like a doll. क्या हो गया? देख तो लिया करो क्या बात कब कर रहे हो। I don't care. वैसे देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो तुम भी ले सकते। नो नो थैंक यू, तुम्हारी बीवी कोई ऐसी चीजें सूट करती है? ये हो क्या रहा है? पहले रोमियो एंड जूलियट और अब ये डॉल्स हाउस। उसको नहीं समझ आएगी। वैसे मैंने कभी गुड़ियों से खेला नहीं, लेकिन तुम सबसे अच्छी होती। ही रियली लव मी। ऑफ कोर्स। अच्छा देखो तो कितनी चीजें लाया हूं तुम्हारे लिए। हेलो सलमान, मैडम लंच के लिए आ गई हैं, उनके पास बस यही टाइम है। तुम्हारे पास यही टाइम है, तुम आकर उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन दिखा दो। या ऑब्वियसली। ओके पैसे, गुड जॉब। थैंक यू। आई थिंक यू शुड जॉइन अस। आप काफी फायदेमंद हो गया हमारे लिए। पहले का काम करते थे? जी मैडम, मैं पहले एलबी एसोसिएट्स में था। ओह माय गॉड। आई एम सॉरी, आप ये देखिए। ना इट्स ओके। डू यू फॉलो? या आई नो हर। अच्छा, मैंने सुना है बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर, तो बुलाओ हम भी देखें। व्हाई डोंट वी कॉल, लेट्स सी कि मेरी टीम को कितना मोटिवेट करती है। व्हाट डू यू से? एक्चुअली इनको बुला नहीं सकते, इनकी शादी हो गई है। तो इनकी बात नहीं होती अब? एक्चुअली इनका था कुछ। क्या कह रही हो मैडम? एक्चुअली क्लास फेलो थे मेरी, इसलिए जानता हूँ। तो अब ये देखिए जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है लेटेस्ट, जो एनीवे इट वाज ग्रेट मीटिंग यू। माय एचआर विल कांटेक्ट यू। थैंक यू। ओके रमशा, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। क्या चल रहा था इनके बीच में? वो मैम एक्चुअली इनकी मंगनी होने वाली थी, मैंने सुना था, और फिर उस लड़की की बहुत बड़ी जगह पर शादी हो गई,
लेकिन मैं तो इन्हें ऐसे जानती हूँ कि ये मेरे नेबर हैं। होप सो कि आपको इनका काम पसंद आया होगा। हाँ, the food was amazing, है ना? Hey, just wanted to say that you look like a doll. बस आज के बाद तुम मेरी पसंद का सब कुछ पहनोगे. That's it. Oh, Natasha बुला रही है तुम. मत जाओ ना. बार मैंने तुमसे पूछा सलमान अहमद कौन है, जब भी मैंने पूछा तुम चुप रही। दो बार मैं उससे मिला हूं और उस मीटिंग के बाद भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। तुम हो कौन? हा, ये जो टेड टॉक्स देती हो तुम ऑनेस्टी की, व्हाट इज ऑल दैट? तुम असल में क्या हो? फिर मैं तुम्हारा फरिश्ते जैसा हस्बैंड who trusts you, who tells you everything. I hide nothing from you. जो मैं हूं तुम्हारे सामने तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारी तरह कोई मास्क नहीं पहना हुआ। शरीफ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, मैं और किसी की नहीं हूं। कितना कुछ हुआ हमारे दरमियान। We fought so much, लेकिन every time I come back to you because I loved you. शायद मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए खड़ा हूँ यहाँ पर। लेकिन दिस इज नॉट फेयर व्हाट यू आर डूइंग टू मी। शेरी, मेरी बात सुनो। नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ कर लूँ, यू ओनली नॉट डाई। आई डिडंट डिजर्व दिस। आई डिडंट डिजर्व दिस। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला।